Hi all of you. So today we'll solve this question from JEE Main 115. Question based है combination of lenses पे mirrors पे. Question solve करते हैं video को समझते हैं concept को और video पे comment कर जरूर करेंगे. आप लोग अगर आपको concept ये वाला clear है तो. Now question is a thin convex lens of focal length f is put on a plane mirror as shown in the figure. When an object is kept at a distance a from the lens mirror combination, its image is formed at a by 3 in front of the combination. तो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कुछ डिस्टेंस ए पे और इसकी इमेज यहां से फॉर्म हो गई ए बाई थ्री पे और वो भी फ्रंट में फॉर्म है दोनों सामने फॉर्म है. तो हमको फाइंड करना है कि ए कितना होगा. तो पहले देखते हैं कि इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे. इसमें ऐसा है कि जब लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से जाएगी तो इसको ये लेंस एनकाउंटर होगा पहले, फिर मिरर मिलेगा. तो एक बार मिला लेंस, फिर मिला मिरर, और लाइट रे वापस जाएगी, फिर से लेंस मिलेगा और कहीं जाके इमेज बन जाएगी. तो लाइट जब गई तो उसको दो बार लेंस मिला, एक बार जाने टाइम, एक बार आने टाइम, और एक बार मिरर मिला. तो एक्चुअली आई कैन राइट कि ये एक कॉम्बिनेशन है दो लेंसेज का और एक मिरर का. सो आई कैन राइट कि जो नेट पावर होगी वो हो जाएगी पी एल प्लस पी एल प्लस पी एम, दो लेंस एक मिरर. अब जो मिरर की पावर होती है इज इक्वल टू किसी की पावर 1/f होती है ना, माइनस एफ बोल सकते हैं मिरर की. और एफ जो होता है मिरर का फोकल लेंथ कुछ भी नहीं है बिकॉज मिरर एक प्लेन प्लेन साइड है तो कोई रेडियस नहीं है तो उसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी है. तो पावर मिरर की जीरो है, तो मिरर की पावर तो होती नहीं है बिकॉज प्लेन मिरर है. नाउ टू पी एल कितना होगा. अब ये एक लेंस है, लेंस की पावर भी सिंपली हो जाएगी 1/f, दिस इज इक्वल टू पी नेट. हमको एफ गिवन ही है, कॉन्वेक्स लेंस का एफ गिवन है, फोकल लेंथ तो एफ लिया हमने उसको. अब ये नेट जो कॉम्बिनेशन है, जो नेट कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, दिस विल बिहेव लाइक ए मिरर बिकॉज एक्चुअली ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये लाइट को फाइनली रिफ्लेक्ट ही कर रहा है. तो दिस कॉम्बिनेशन इज बिहेव लाइक ए मिरर. तो इसको हम नेट लिखते हैं, नेट पावर लिखते हैं, -1/f लिखते हैं नेट, बिकॉज ये मिरर का, तो मिरर का पावर होता है -1/f. तो एफ नेट निकल के जो आएगा 1/f नेट, वो निकल के आएगा -2/f. अब नाउ वी कैन यूज मिरर फॉर्मूला. तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो हमको यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज करना है. अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये एक मिरर है इस फोकल लेंथ का. सो v यहाँ पे गिवन है आपको -a/3 नेगेटिव में बिकॉज वो उसके साइड में ही, ऑब्जेक्ट की साइड में, मतलब पोल के राइट में ही. u भी -a है और ये जो नेट पावर है ये है -2/f. तो यहां से हम निकाल लेते हैं एलसीएम. तो इट इज इक्वल टू आई थिंक -4 इक्वल टू -2/f, माइनस माइनस तो कट गया. सो ये निकल के आएगा 2 से ये कट गया 2, तो ये निकल के आया 2. ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो मैंने आपको स्टेप वाइज बताने की कोशिश करी, आई बिलीव कि आपको क्लियर होगा. तो आप जाके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें इस कंसेप्ट को और भी डेफिनेटली आप कर पाएंगे. तो वीडियो पे कमेंट करें और मुझे फॉलो करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.